किसी भी समय बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी को तुच्छ समझना चाहिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय में बहुत ताकत होती है। वह आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जब आपको किसी के अंदर कुछ भी अच्छाई नजर नहीं आती, तब ये जान लेना कि खुद में बुराई ढूंढने का समय हो चुका है। आपको अच्छाई की शुरुआत अपने से ही करनी होगी, क्योंकि जब हम किसी के मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने से पहले अपने खुद की उंगली पर ही लगाना होता है। किसी के बुरे वक्त में उसकी अवहेलना मत करो, बल्कि उसे सहारा दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े ही समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देगा। दुनिया का दस्तूर ही निराला है। जिनके पास अपने होते हैं, वो हमेशा अपनों से ही झगड़ते रहते हैं। इस दुनिया में जिनके पास अपने नहीं होते, वो हमेशा अपनों के लिए ही तरसते रहते हैं। क्या पता कल हम ना हो, फिर कोई गिला या शिकवा नहीं होगा, बस सिर्फ सिमटी हुई यादें ही रह जाएंगी। जो लम्हे हैं हंसकर बिता लो यार, क्या पता कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अगर आपको बेचैनी हो रही है तो घबराइए मत, यह आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप पर ईश्वर की कृपा है। इसका अर्थ यह है कि आपके पास ऊर्जा है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करेंगे। या तो इसमें जल मरेंगे, या फिर इस ऊर्जा का उपयोग कर सही राह पर चलेंगे। यह आप पर निर्भर करता है।